नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चैनल द बेस्ट गल्फ जॉब में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त रूमी चंदी फिर लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी। जानकारी आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, जो मेरे दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनको वीडियो एंड में अच्छा लगे वो अपनी मर्जी से ही शेयर कर दे करना हो, और मर्जी से ही लाइक ठोक दे, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरी तो ड्यूटी है भैया बार बार बोलने की। तो अब बात करते हैं टैक्सी ड्राइवर जॉब इन दुबई। बहुत वीडियो डाले, अच्छे चले भी हैं, ऐसी बात नहीं ना चले। मैं उनका वीडियो भी डालूँगा जो द बेस्ट गल्फ जॉब के माध्यम से दुबई गए, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने, यूनियन टैक्सी कैसी है, क्या क्या उसमें टर्म्स कंडीशन है, और मैं भी बताऊंगा वीडियो में ये सारी चीज़ें। मेरे दोस्तों, एक बात आप कान खोलो, कुछ भी है दिमाग में रखो, बिठा लो भी, जो बंदा वहाँ का लाइसेंस बनाने जा रहा है खुद के लिए बना रहा है, ठीक है, उसका फ्यूचर ब्राइट करने के, क्योंकि लाइसेंस की इम्पोर्टेंट आप लोगों को सबको पता है जो टैक्सी ड्राइवर में जाने वाले हैं। ये कहे कि मुझे जाते ही वहाँ 3-4 हज़ार दराम मेरे को सैलरी मिलने लग जाएगी, नहीं, आपको कंपनी लाइसेंस भी कंपनी बना के दे, सैलरी भी कंपनी दे आपको। आपको नया बंदा फ्रेशर में, एक्सपीरियंस में, वर्क में फ़र्क तो होता ही है दोस्तों। एक तो नया बंदा है, आज पैदा हुआ जो उसकी कल शादी थोड़ी हो जाएगी, उसको थोड़ा सा 14-15 साल जीने का टाइम तो मिलेगा, फिर 6-7 साल मौज मस्ती का टाइम तो मिलेगा, फिर उसकी शादी होगी। तो बात करते हैं हम लोग यूं ही, 3 महीने तक आपको कोई सैलरी फैलरी वो खर्चा दे रही है कंपनी, खाने का रहने का, दाना पानी फ्री है। अब वो क्या कह रही है, अभी मैं लाइसेंस के लिए आपको ट्रेनिंग दे रही है, ट्रेनिंग लेना, वो कोई फ्री में ट्रेनिंग थोड़ी मिलती है यार, उसका चार्ज नहीं लगता। ट्रेनर आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, यूनिफॉर्म, हर चीज़ की वैल्यू होती है ना, हर चीज़ का अलग अलग हिसाब है लाइफ जीने के लिए। यूनिफॉर्म तन रखने के लिए मिल गई, रूम उन्होंने छत सर रखने के लिए दे दिया, अब उन्होंने खाने के लिए पैसे दे दिए, अभी उन्होंने ट्रेनिंग भी दे दी आपको, गाड़ी खुद की दे रहे हैं सिखाने के लिए, फ्यूल का खर्चा नहीं आता। यहाँ इंडिया में गाड़ी सीख के देखो ना, 5-5 हज़ार दराम लेते हैं ना गाड़ी सिखाने का, 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं ना महीने का, तो वो फ्री में गाड़ी सिखा रही है, फ्यूल नहीं चलता गाड़ी में, सारी चीज़ें हैं। अब आप कमाते हो, मान लिया लोग कहते भी हम सर कमाई करके देंगे कंपनी को, कमाऊ बेटे हम लोग, तो भाई साहब आप कितना कमाओगे? 100 दराम कमाया, 35% तो आपको ही मिल गया ना उसमें, 65% कंपनी को, कंपनी 65 में अपना फ्यूल निकालेगी, नई गाड़ी टोयोटा की कैमरी लेके दी, जो कम से कम भी यहाँ की मान के चलो एवरेज, मतलब आपको नॉर्मल बताता हूँ, दुबई के 2 लाख रुपए की है, 1,90,000-80,000 की, 40 लाख की गाड़ी होगी, इंडिया के 40 लाख की गाड़ी, उसका मेंटेनेंस नहीं है, उसका फ्यूल कंजप्शन नहीं है, उसकी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं है, उसकी वॉशिंग का पैसा नहीं आता, उसके सीट कवर ही खरीद के देख लो 5,000 से 7,000 से कम तो सीट कवर ही नहीं आते दोस्तों। फिर उसको आज के टाइम में हाइब्रिड गाड़ियाँ जो बैटरी पे चलती है, हाइब्रिड गाड़ियाँ आपको पता है 80 किलोमीटर तक बैटरी पे चलती है, नॉर्मल सी बात बताता हूँ मैं आपको भी, वो सारा खर्चा करने के बाद 65 रुपये में वो सारा खर्चा निकाल रही है अपना, और इतना बड़ा स्टाफ रख रखा है जो उसने, स्टाफ की सैलरी निकलती नहीं कंपनी की, वर्कशॉप के कारीगरों की नहीं निकलती, कितना बड़ा काम, आपके यूनिफॉर्म के पैसे नहीं आते क्या, यूनिफॉर्म का लॉन्ड्री बिल नहीं आता क्या, सब चीज़ें 65 रुपये में। बहुत सी बातों को डीपली सोचना पड़ेगा हमें, तब जाके किसी किनारे लगेगी बात। आप अपनी जगह पे स्वार्थ छोड़ के सोचोगे, कंपनी के बारे में सोचोगे, कंपनी आपके बारे में सोचेगी डेफिनेटली। अब कई कहते हैं जी हमारा 4,000 दराम खर्चा आ गया लाइसेंस बनाने का, हो गया जी 4,000 दराम खर्चा, मानता हूँ होता है, 4,000-5,000 भी हो जाएगा, 200 दराम सिर्फ महीने का काट रही है, आप पे लोड डाला उसने, नहीं तो कहती अगली कंपनी स्पष्ट बोल सकती है मैंने 5,000 दराम खर्च किया, पहले ये पूरा करो मेरा 5,000 दराम, वो नहीं करती, उसको पता है ड्राइवर ने घर भी चलाना है, बीवी बच्चे भी पालने हैं, अपने आप को भी देखना है, तो कितना काट रहा है 200 दराम। अब एक ड्राइवर 6,000 दराम 3,000 दराम का काम किया महीने का उसने,
3000 दराम में 200 दराम कंपनी ने काट लिया, 2800 दराम बचा, 100-200 उसका खुद का खर्चा, क्योंकि 800 दराम तो रहने खाने के लिए। अभी यहाँ ये ना बोले कोई भी रहने और खाने के लिए पैसे नहीं, रहने और खाने के लिए 800 दराम दे रही है आपको। नॉर्मल सी बातें पकड़ के चलो आप, एवरेज एवरेज मैं पकड़ के चलता हूँ जहाँ मेरा दिमाग काम करता है कि कंपनी आप पे इन्वेस्टमेंट कर रही है तो अपने लिए कर रही है क्योंकि उसको भी कमाई आएगी। पर आप ये क्यों नहीं सोचते भी आपको कमाई नहीं आएगी, आपको लाइसेंस की वैल्यू पता है यूएई के, आपको भी कमाई आएगी, आपका भी घर चलेगा, आप भी कमाऊ बेटे हैं कंपनी के, आप पे भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, अमीरात आईडी बना के दे रही है, वीज़ा वहाँ पे फ्री में लग रहा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो ये हर बात का, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू को सोच के मत चलें, दूसरे की बातें सबकी सुने। कई बंदे जाते हैं, मैंने खास करके बताता हूँ, पुराने बंदे नए बंदे को पता कहेंगे मैं तो जी घर बेच के मैंने मुखलफा भर दिया, फाइन भर दिया, फाइन टैक्सी का, रोड मुखलफा पड़ गया कोई। अरे क्यों बावड़ा बना रहे नए बच्चों का, क्यों मरोल डाउन कर रहा है, मुखलफा कोई घर बेच के भरते गए, दुबई कमाने के लिए गए हो, फाइन आता है, गाड़ी खुद की चलाओगे, फाइन आया आपकी वजह से, जो फाइन आया रोड का, स्पीड का, सिग्नल तोड़ने का, ये फाइन आपके। अगर अच्छी तरह आंखें खोल के चलाओगे, सो के गाड़ी चलाओगे तो कौन देगा उसका फाइन। यहां तक कि कंपनी ने आपका एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस बीमा टोटल बीमे करा के आपको गाड़ी पे चढ़ाती है। यहां तक मैंने सुना है 1,00,000 दराम का इंश्योरेंस ड्राइवर का होता है, मतलब ऑन द स्पॉट या कुछ एक्सीडेंट हो जाए, इन चीज़ों का नाम ही लेना बहुत बुरा है, पर आप खुद समझदार। तो जो मेरे दोस्त टैक्सियों में डाउट रखते हैं, मन मुटाव रखते हैं, जिनके गलत फहमी हो रही है, वो ये वीडियो को देख लें और मुझसे बात भी कर लें ताकि उनको मैं समझा सकूं। क्योंकि यूनियन टैक्सी ब्रांड है, एक ब्रांड से बात करोगे, ब्रांड में जाओगे तो इज्जत होगी। वो बाजीराव सिंघम बोलता है ना सिंघम में, मर्दों वाला काम करने जा रहा हूँ, मर्दों में रहूँगा। तो जिस ब्रांड का रहोगे उस ब्रांड में तो ब्रांड का बन के रहना पड़ेगा ना, ब्रांड के जितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों यूनियन टैक्सी के बारे में कोई डाउट है, कोई मन मुटाव है, मेरे से क्लियर कर सकते हो, जो बात समझना है पूछ सकते हो आप। और जो भी जाने के इंटरेस्टेड हों वो एक बार ज़रूर ये वीडियो देख लें जो मैं डाल रहा हूँ, कैसे लोग जा रहे हैं, कैसे लोगों के भी ओपिनियन है, दे रहे हैं अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। तो आप ज़रूर मेरे से बात करते रहें और यूं ही जुड़े रहें, रिश्ता बरकरार रखें, कामयाब रहें और खुश रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हाँ जी, असी इत्थे पहुँच गए हैं शारजा, तो असी 4 बंदे आए हैं। ये मेरे नाल मेरा वड्डा वीर हैगा जगन कुमार जलंधर तो, आ भाजी राजस्थान तो अमन जी ने, तो ये रिजवान जी हैगे हैं बिहार तो, ते मैं पटियाला पंजाब तो। असी कल 2 तरीक नूं इत्थों फ्लाई किया दिल्ली एयरपोर्ट तो, हुण 3 बजे 3:30 बजे सवेरे पहुँच गए हैं असी शारजा। तो इत्थे असी आए हैं बेस्ट गल्फ जॉब गुरमीत भाजी की वजह तो, उन्होंने साडा सारा काम किया, तो असी वधिया तरीके नाल इत्थे कोई बिना किसी दिक्कत तो सारी इमीग्रेशन वगैरह सब कुछ चैक इन क्लीयर करके असी हुण शारजा एयरपोर्ट के बाहर खड़े हाँ। तो असी बहुत खुश हाँ, साडू सारयां नूं गुरमीत सर दा असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू। और ये यूनियन टैक्सी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर जी, नाम बटो। असी अपनी बहुत आसा उरीदा लेके आए हैं कि साडा अल्लाह पाक और साडे सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी साडे नाल मेहर सदका इसी तरह अपना साथ निभाण, जो असी यूनियन टैक्सी के नाल अपना मुंडे का नाम बुरा ला के चल सकिए। थैंक यू, थैंक यू।